वेलकम टू अगर मैं कहना चाहूं द ब्रेकफास्ट शो या फिर नबीला चेंजेस द ब्रेकफास्ट शो। अच्छा नबीला चेंजेस ऑफ कोर्स इमेज ह्यूमन बीइंग या फिर द ब्रेकफास्ट शो, ये तो आप करेंगे डिसाइड। आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस कि ये पूरा वीक जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था, कमिट किया था कि हम मेक ओवर्स पे काम करेंगे, इमेज बिल्डिंग पे काम करेंगे विद नन अदर देन द अमेजिंग टीम ऑफ नबीला। सो आज से आप देखेंगे कि हम डिफरेंट टॉपिक्स लेके आएंगे आपके लिए व्हेन इट कम्स टू योर इमेज। अब एक इमेज क्या होती है एक इंसान की, हम हमेशा कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एंड देन वी से कि नहीं रिलेशनशिप्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन जॉब्स में जब आप किसी को फॉर्मली मिलते हैं, सोशली जब आप किसी को मिलते हैं, तो किसी को नहीं पता होता आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, किसी को नहीं पता होता कि आपकी नेचर कैसी है, सबसे पहले वो आपको देखते हैं। सो फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, चाहे आपके बाल हों, चाहे आपका मेकअप हो, चाहे आपके कपड़े हों, चाहे आपके शूज हो, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इमेज बिल्डिंग में। एंड नबीला के बारे में कौन नहीं जानता, 35 से ज़्यादा ईयर्स से ऑफकोर्स वो इस फील्ड से वाबस्ता हैं। एंड ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री, पाकिस्तान की स्टाइलिंग व्हेन इट कम्स टू यू नो स्टाइल सेंस एस्थेटिक्स, हम पूरी दुनिया में पता चली है, इंटरनेशनली हम एग्जिस्ट करते हैं ये पता चला है बिकॉज ऑफ नबीला। सो वेल जनाब, इमेज बिल्डिंग पे हम काम करेंगे और उन तमाम ख्वातीन के लिए, मर्द हजरात के लिए आज का शो डेडिकेटेड है जो कि घर से बाहर जाकर काम करते हैं, या वेल अब तो घर पे भी अगर काम करते हैं और जूम कॉल लेनी है तो फिर भी इमेज का ख्याल रखना होता है कि आप कैसे लग रहे हैं। सो अगर आप किसी भी किस्म के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं और चाहते हैं कि उसके हिसाब से परफेक्टली ड्रेस्ड हो, परफेक्टली स्टाइल्ड हो, तो आज का शो गौर से देखिएगा। बहुत शो होने वाला है, मेक ओवर्स हम दो आपको दिखाएंगे, एक होगा फीमेल का, एक होगा मेल का, उनकी जॉब्स के हिसाब से लेस इज मोर पे फोकस करेंगे, क्या है ये लेस इज मोर, इसको एस्थेटिकली कैसे करते हैं, नबीला से ही जानेंगे। अब फाइनली मैं चलती हूँ नबीला की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है नबीला? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर सच अ प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन, थैंक यू सो मच। अच्छा नबीला, मुझे ये बताइए कि आपने नो मेकअप जब निकाला, सो उस वक्त यू नो एक चीज हो गई थी, मार्केट में इन हो गई थी, लोगों को पता चलना शुरू हो गया था कि नो मेकअप लुक इज अ थिंग, लेस इज मोर। सो how would you describe this whole journey? Actually, you know, my philosophy, my concept and my life is about less is more. It's not something I'm doing ke ye aajkal season hai ya aajkal trend hai ya ye bikega to it's a good business logo. No, I genuinely believe in it and I live the life of less is more. एंड आप मेरे काम में भी अगर देखेंगे, मेरा 20-30 साल पुराना काम भी, तो इट लुक्स वेरी टाइमलेस बिकॉज इट वॉज ऑलवेज क्लासिक, इट वॉज नॉट ट्रेंडी और गेरिश, इट वॉज ऑलवेज क्लासिक। और अभी भी हम देखते हैं तो लगता है कि ये आज का काम है, एंड दैट्स बिकॉज आई स्टिक टू वेरी ड्रामेटिक विजुअल्स, लेकिन वो बेसिक्स जो उनके होते हैं वो बिल्कुल क्लासिक और सिंप्लिसिटी पे बेस्ड होते हैं। अगेन टॉकिंग अबाउट मेकअप, आई थिंक ए गुड स्किन, ड्यूई स्किन, वो चाहे आप 200 साल पुराना देखें या 200 साल बाद देखें, इट विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन, सो दैट इज ऑलवेज क्लासिक एंड टाइमलेस। हाँ, ट्रेंड्स, लाइनर्स, लिपस्टिक्स, ग्लिटर्स, बैक कॉमिंग, आईब्रोज, ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन ब्यूटिफुल स्किन नेवर गोज आउट ऑफ फैशन। सो इसके ऊपर बेस करके हमने जो शुरू में लॉन्च किया था N0 मेकअप, लेकिन पता चला कि वो जैसे ही मैंने शुरू किया तो वो हॉलीवुड में उसकी डिमांड आ गई, ये वो, तो नो इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड बाय समवन एल्स, सो वी रीलॉन्च्ड वेरी क्विकली बाय जीरो मेकअप का नाम। जीरो मेकअप, एंड जीरो स्टैंड्स फॉर द फैक्ट के जीरो मींस जीरो टाइम वेस्टेड, जीरो स्पेस वेस्टेड, जीरो गेस वर्क, यू नो, एफिशिएंसी, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, you know, it's for the woman who's on the move and it's for the woman who's confident, who wants to look like herself but a better version of yourself. She does not want to be somebody else. She is comfortable in her own skin. Absolutely. So these are my values and hopefully this will depict in my work, whether it's at the salon, at shows, at movies or in your handbag. Absolutely. अच्छा मैं यहाँ पे इस बात पे भी फोकस करना चाहती हूँ, जैसे तो कहा ना कि जीरो, कि जीरो एफर्ट या जीरो टाइम वेस्टेड, यहाँ पे ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है कि रियल पीपल, आप, मैं, हम सब जब ये अप्लाई करेंगे ना कि जल्दी जल्दी वाला जो है वो आपने अपने आप को स्टाइलिंग कर लिया, टाइम वेस्ट कम होता है और आप इस तरह से हर वक्त प्रेजेंटेबल रह सकते हैं, राइट? सो एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये कि जब कोई एक ब्रांड आता है, आप उस, फॉर इंस्टेंस मेकअप है, स्टाइलिंग है, और आप उस सैलून पे जाते हैं
और आप कहते हैं जी वो जो सब जो इंसान है जिसका ब्रांड है मैं उन्हीं से कराऊंगी. सो अगर कोई आपके यू नो सैलून पे आए और कोई कहे कि मैं सिर्फ नबीला से ही स्टाइलिंग करवाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि आप हम सबको ये बताएं कि क्या हम आपकी टीम पे उतनी ब्लाइंडली भरोसा कर सकते हैं जितना आप पे कर सकते हैं. बहुत अच्छा सवाल है और इसका अगर मैं लंबा जवाब दूं तो आई होप यू डोंट माइंड. तो शुरू में जब हमने नबीला खोला छोटा सा, मैंने तो अपने सर्वेंट्स रूम में से स्टार्ट किया था एंड देन बिकॉज आई वाज वेरी यंग एंड आई ग्रू विद द बिजनेस एंड व्हेन आई वाज कंफर्टेबल आई वाज 26 तो हमने जमजम आप यू नो पूरा बोर्ड लगा के बिल्डिंग खोली. तो उस वक्त जो था वो लोग आते थे कहते थे नबीला. अब नबीला के दो हाथ हैं, आधा घंटा लगता है एक हेयर कट में और मेरी 3 महीने की बुकिंग होती थी, 3 महीने की, क्योंकि हर कोई जाता था 45 डेज में आपको पता है कि हेयर कट की दोबारा ट्रिम की ज़रूरत होती है और दो दो अपॉइंटमेंट लेके जाता था. तो मैं कहती थी कि गॉड फॉरबिड अगर मुझे मरना भी है ना तो 3 महीने का नोटिस चाहिए बिकॉज आई कांट डिफॉल्ट ऑन माई बुकिंग्स. लेकिन बहुत टाइम उस टाइम पे मैंने कोर्स किया टाइम मैनेजमेंट का कोर्स विद ब्रिटिश काउंसिल और वो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट के नाम से वो कोर्स था, 7 हैबिट्स पे बेस्ड था. तो उधर उन्होंने कहा कि आपके क्या ड्रीम्स हैं, जो ट्रेनर आया था. मैंने कहा मेरे ड्रीम्स ये हैं कि मेरे ब्रांचेज हों, मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम हो, मैं अपना प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करूं, मैं जेंट्स की लाइन लॉन्च करूं और मैं एक इंटरनेशनल नेम हूं. तो उसने कहा आप प्लानिंग पे कितना टाइम लगाती हैं. मैंने कहा मैं 30 मिनट ट्रेडमिल पे होती हूँ सुबह को 7 बजे, तो वो टाइम मेरा प्लानिंग का होता है. तो उसने कहा बाकी दिन मैंने कहा मैं ये 18 हेयर कट करती हूँ. तो उसने कहा अच्छा फिर आप इसको ना मिसलेनियस में डाल दें. मुझे तो डिप्रेशन हो गया. मैंने कहा क्या 18 हेयर कट जो करती हूँ, मैं अगर सर्जन होती तो आप मुझे ये बोलते, आपने मुझे अजाम समझ के मेरी बेइज्जती कर दी. आपने कहा ये मिसलेनियस है, आप मेरे काम की इज्जत नहीं करें. तो उसने कहा अगर आप वो सर्जन होते जिसका मकसद होता कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरी करूँ तो मैं कहता कि ये आपका मेन कोर बिजनेस है. लेकिन अगर आप वो सर्जन हैं जिसका ड्रीम है कि मैं कैंसर का इलाज निकालूं और मैं अपना हॉस्पिटल बनाऊं और मैं अपनी एकेडमी बनाऊं और मैं डॉक्टर्स को ट्रेन करूं, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट करें अपने हाथ यूज़ करने में. आपने अपने आप को हाथ से निकाल के दिमाग तक ले जाना है. That has been my biggest journey and my biggest achievement. It took me 20 years after that. जो पहले 5 साल तो कोई आता ही नहीं था कि नहीं नबीला नहीं है तो फिर हम नहीं नबीला के पास जाना है. अब नबीला कितने हेयर कट्स कर सकती है. तो मुझे जो अपनी टीम पे बिल्ड करना था, इन्हिसार करना था. सो मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स उस टाइम पे कोई किसी को सिखाता नहीं था. उन्होंने कहा कि आप इनको सिखाएंगे तो चले जाएंगे. मैंने कहा चले जाएँ, अगर मैं 100 को सिखाऊंगी 30 चले गए तो 70 तो मेरे पास है. बिल्कुल. और मेरे दो हाथ हैं तो 70 इज़ बेटर देन 2. सो उनको किसी को समझ नहीं आई और मैंने दिल खोल के सिखाया. और बहुत से लोग हैं जिन्होंने यूज़ किया, मिस यूज़ किया, पीठ में छुरी मार के बाहर गए, फिर वापस आए माफ़ी मांग के, फिर दोबारा पीठ में. माई प्लेटफॉर्म इज़ ओपन. जब तक आप मेरे छत के नीचे हैं मैं आप पे शक करूँ ये मेरे लिए गुनाह है. मैं आपको ना सिखाऊँ ये मेरे लिए गुनाह है. सो आई विल बी टीचिंग टिल द डे आई डाई एंड दैट्स वॉट आई एम डूइंग. माई टीम इज़ वेरी डियर टू मी एंड आई स्पेंड टाइम ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग माई टीम, equipping them with the newest instruments, tools, techniques, trainings, and not wasting too much time on hands-on with clients. Absolutely. अच्छा ये एक बड़ी important चीज़ है because दुनिया के जितने भी बड़े बड़े brands हैं ना, कुछ ऐसे हैं जब वो अपनी franchise कोई पहली खोल रहे होते हैं तो वो यही डर रहे होते हैं, जिसमें अब हम नाम नहीं ले सकते यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी biopics हमने देखी हैं, बहुत सारी ऐसी food chains भी है there, like नहीं हमारी एक ही outlet है और उसका standard compromise ना हो इसलिए हम दूसरी नहीं खोल सकते. सो training जैसे आपने कहा ना कि इसको दिमाग तक लेके जाना है. और ये शो by the way वैसे तो हम imaging पे और आपको makeovers करके दिखाएंगे, लेकिन अगर आप अपना कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं या चाहते हैं जो आपकी स्किल से रिलेटेड हो और आपको लोगों को वो स्किल सिखानी हो, मैनेज करना हो लोगों को, तो भी आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इंस्पिरेशन. ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो स्टाइलिंग पे काम करेंगे हम, इमेज बिल्डिंग पे काम करेंगे. एक हमारे साथ मर्द होंगे, एक हमारे साथ औरत होंगी, उनका हम दिखाएंगे कि किस तरह से कॉर्पोरेट लाइफ आप अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं व्हेन यू आर ग्रूम्ड टू ऑप्टिमम लेवल. तो जरूर देखिएगा ब्रेक से वापस आने के बाद, जल्दी से वापस आ जाएंगे. हम आप देख रहे हैं नबीला चेंजेस द ब्रेकफास्ट शो. वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, बिकॉज यहाँ पे दो इमेज बिल्डिंग पे हम काम करेंगे. दो ऐसे लोग जो कि ऑफिस जाते हैं या किसी भी किस्म के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, वो किस प्रोफेशन से हैं, उनका किस तरह से मेकओवर करेंगी नबीला, ये हम आपको दिखाएंगे. अच्छा बाल, जब आप बालों की बात करते हैं ना, सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी पर्सनैलिटी में. बाल लिटरली पहला लुक जो होता है वो बालों की मदद से आपको मिलता है.
है कि अच्छा ये इंसान शायद ऐसा हो सकता है, राइट? सो हम यहाँ पे हेयर कटिंग करने वाले हैं, हमारी मॉडल इकरा हमारे साथ हैं, और नबीला प्लीज बताइएगा कि इनकी किस जॉब या किस प्रोफेशन के हिसाब से जो है वो इमेज बिल्डिंग हो रही है? इकरा जो है किसी ऑफिस में काम करती हैं और वहाँ पे उनका फ्रंट डेस्क जॉब है. सो बेसिकली आई हैड टू आस्क हर क्वेश्चंस कि आपकी वॉक कितनी होती है ऑफिस के अंदर, बैठने का जॉब है, डेस्क कहाँ तक है, यू नो, तो उस हिसाब से फोकस किस चीज पे करना है. ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. हर हेयर नीड्स टू बी वेरी सिंपल. इफ यू वांट वी कैन सी व्हाट्स हैपनिंग. लेट्स कम. अच्छा जी, इकरा है और इकरा के बाल अगर हम अभी दिखाएं, टीम नबीला इनके साथ. इस पे हमने टाइम सेव करने के लिए कुछ काम शुरू कर दिया है, लेकिन हम आपको वीडियोस में दिखा सकते हैं, ये रहने दें. सो इट्स ब्यूटिफुल हेयर, लेकिन ये बहुत रफ थे, तो हमें इनकी ट्रिमिंग करनी पड़ेगी ताकि बहुत शार्प और स्लीक हों. कलर जो था इनका, पहले कुछ ग्रेस थे, कुछ शायद मेहंदी या रेड सा कलर था, सो हमने कलर करके टू सेव टाइम वी हैव मेड इट अ नाइस रिच ब्राउन कलर. शी हैज अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन. वी विल वर्क विद जीरो मेकअप, जो वो दिन में 2-3 दफ़ा टचअप कर सकती हैं. सो फोकस ऑन हर पर्सनैलिटी एंड नॉट ऑन हर बॉडी. ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट. अच्छा जी, अब यहाँ पे इनका जो हेयर कट है, हम कितनी, ये आई थिंक पहला सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि कितनी लेंथ शॉर्ट होने वाली है. जी, सो अक्सर जो है वो लोग कहते हैं बस लेंथ शॉर्ट नहीं हो और चेंज हो जाए, तो मैंने कहा ऐसे तो कुछ नहीं है हमारे पास मैजिक वैंड, लेकिन इतने तकरीबन कटेंगे, क्योंकि आप देखें ये इन्होंने वो कराया हुआ था केमिकल ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से एंड्स अभी फ्लैट आयरन हुए तो नहीं पता चल रहे, लेकिन काफ़ी ड्राई हैं. सो अबाउट 6 inches, ताकि ये जब बढ़ें तो अच्छी तरह से बढ़ें और अच्छी क्वालिटी में बढ़ें. ठीक है, enjoy it more. Okay, चले जी, आप यहाँ पे काम स्टार्ट कर दीजिए. एंड पता है हमारा एज अ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अभी भी एक लिमिटेशन है कि नहीं बाल लंबे होने चाहिए. अगर बाल आपके लंबे हैं, हेल्दी नहीं है, क्या फायदा? जब आप चॉप करते हैं बालों को, मुझे एक फ्रेशनेस फील होती है, उसकी बात ही और, इट्स सो रिफ्रेशिंग. जी जी, अक्सर जब जिसके लंबे बाल होते हैं ना, तो मैं पूछती हूँ कि किसके लिए लंबे किए हैं, वो या दादी ने कहा होता है, या अम्मी ने कहा होता है, या हस्बैंड ने, बॉयफ्रेंड ने कहा होता है, तो वो अपने लिए कम लोगों के लंबे होते हैं, औरों के लिए ज़्यादा होते हैं. तो जब आप उसको इन्जॉय नहीं कर रहे या उसको वर्सेटाइल नहीं है, आप उसको डिफरेंट तरीके से कैरी नहीं कर सकते, व्हाट्स द यूज़ ऑफ द लेंथ. एब्सोल्युटली. और आप टाइम सेविंग की भी बात करी थी, लंबे बालों को धोना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है. जी जी, मेंटेनेंस, अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस. एब्सोल्युटली. अच्छा, इनका हेयर कट यहाँ पे होने वाला है और इसके साथ हमारे दूसरे मॉडल भी यहाँ. अच्छा, दोनों हम आपको लुक्स दिखाएंगे. सो अगर आप एक वो कहते हैं ना कि एक मेकओवर की तरफ जाना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या एक्चुअल सही तरीका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स नबीला आपको साथ में भी दे रही होंगी. एंड हेयर कट पॉसिबल ही नहीं है कि एक ड्रामेटिक, एक अच्छा, एक डिफरेंट लुक आए जब तक आप बालों को काटने पे, कटवाने पे राजी ना हो, कि इसको चेंज के लिए ऑफकोर्स चेंज होना जरूरी है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, अब हम एहसन के तरफ आ जाते हैं. बिल्कुल. माशाल्लाह से गुड लुकिंग यंग मैन, बहुत अच्छे फीचर्स हैं, आँखों का कलर बहुत अच्छा है, दाढ़ी इन्होंने बढ़ाई हुई है, और बाल इनका नेचुरल कलर ही ब्राउन है, लेकिन थोड़ा सा मैसी है. वी हैव एंड जेंट्स फॉर मैन, जो एक स्पेशलाइज्ड जेंट्स के लिए सर्विसेज हैं, ताकि वो अपने एक मैस्कुलिन एनवायरनमेंट में सारे ये शशके करा सकें बगैर झिझक के. तो अब इनके लिए हमने जो ज़ीरो मेकअप की रेंज में एक ब्लरिंग पेन इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली, विच इज़ यूनिसेक्स एंड मेनली फॉर मेन. इट्स वेरी वेरी डिस्क्रीट और इट्स ट्रांसफ़र फ्री. तो हल्का सा जो इनको कुछ छाइयाँ हैं, कुछ डार्क सर्कल्स हैं, कुछ एक्नी मार्क्स हैं, वो फ़ौरन कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. हम उससे उनका मिनिमल सा मेकअप करेंगे, हम उनका हेयर कट अच्छा सा ट्रेंडी हेयर कट करेंगे, और बियर्ड इज़ वेरी नाइस, लेकिन आजकल बियर्ड्स का बहुत फैशन है, तो हम उसको मज़ीद एग्जैजरेट करेंगे, बिकॉज ही इज़ अ यंग मैन, ही इज़ वर्किंग विद ई कॉमर्स, बट ऑफिस जॉब है, सो इट्स नॉट लाइक ही इज़ वर्किंग फ्रॉम होम. सो वी विल कीप दैट इन माइंड. उनका वार्डरोब भी हम इसी तरह का करेंगे कि इट्स प्रैक्टिकल, इट्स फन, इट्स कम्फर्टेबल, एंड इट्स यंग, इट सूट्स हिज पर्सनैलिटी. ओके, अच्छा आप ये जो कह रहे हैं ना बियर्ड को एग्जैजरेट करना, आई थिंक ये मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, कि मैंने ये देखा है कि चॉप तो हो सकते हैं बाल, बट एग्जैजरेट कैसे होगा, दिस इज समथिंग टू एक्चुअली रियली वॉच. ये प्रॉपर बार्बरिंग टेक्निक्स हैं. आई क्वालिफाई एज अ बार्बर, सो माई जेंट्स टीम इज अमेजिंग. अमेजिंग अमेजिंग. तो अब जब आप इनका काम स्टार्ट अभी करने वाले हैं, हम दिखा सकते हैं अभी. ठीक है, आप इनका जो है वो काम स्टार्ट कर दीजिए. पहले हेयर कट होगा. ठीक है, चले जी, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे. अच्छा, आई लाइक ब्लरिंग पेन जो आपका इतना फेमस हुआ है, कि हमारे यहाँ आई थिंक थोड़ा सा एक ये रिस्ट्रिक्शन है, स्पेशली यू नो मर्द हजरात के लिए, दे आर लाइक कि नहीं हम क्यों मेकअप या कंसीलर यूज करें. सो ब्लरिंग पेन इज सच अ थिंग कि आप इसको प्राइड के साथ यू नो ओन भी कर सकते हैं. बिल्कुल, इट लुक्स सो डिस्क्रीट एंड इट्स लाइक अ पेन, लिटरली, लाइक अ चीट. एब्सोल्युटली.
अच्छा पेन से मुझे फील भी ये भी हो रहा है कि टाइम सेविंग अगेन, अगर ये यूनिसेक्स पी है, अगर हम भी यूज करना चाहें, बिकॉज वो you know, so this is what it looks like. It can be in your pocket. Yes. It comes with a sponge. You know, ये हमने डिजाइन ही इस तरह किया किया है कि ये किया और खत्म. So it's a very convenient thing to have, convenient to use, transfer free. So for men, I feel के उन्होंने बेचारों ने क्या किया कि उनके डार्क सर्कल्स ना छुपें. एंड एज लॉन्ग एज इट डजंट लुक लाइक मेकअप एंड यू कांट सी, व्हाई कांट यू लुक लाइक अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. बट आई एम रियली सरप्राइज इसकी जो सक्सेस है कि हाउ मेनी मेन आर रेडी टू यूज अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प टू लुक बेटर. मैं इसको मेकअप भी नहीं कहूंगी, बिल्कुल कवर अप कहूंगी. कवर अप, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. और पता है हम मुझे ऐसा फील होता है कि हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा इस बात पे एम्फेसिस ज्यादा है कि नहीं हम अपना ख्याल नहीं रखते, यू नो इट्स ओके. देखिए सिंपल सिंपल रहने का मतलब ये नहीं अपना ख्याल ना रखें. जब आप अच्छे लगना शुरू होते हैं, अपना एक बेहतर वर्जन दिखते हैं, तो आप परफॉर्म भी ज्यादा अच्छा करते हैं. बिल्कुल, बल्कि सिंपल रहने के लिए देयर इज अ होल प्रोग्राम कॉल्ड सिंपल इजंट इजी. आपको कॉन्स्टेंटली अपना ख्याल रखना है ताकि अगर आप मुंह धो के सुबह को गए हैं तो आप अच्छे लगे, क्योंकि आपका नेल्स, हैंड्स, फीट, स्किन, योर फेशियल हेयर, वेदर इट्स बियर्ड और इट्स योर आईब्रोज और यू नो थोड़े बहुत जो फेशियल हेयर औरतों के भी होते हैं, हेयर कट, हेयर कंडीशन, हेयर कलर, मेंटेनेंस सारी आपकी हो, वार्डरोब, तो फिर आप सुबह को उठ के एफर्टलेसली 5 मिनट में तैयार हो सकते हैं और अच्छे लग सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक्स पे काम करें बजाय इसके कि आपको लग रहा है कि आप 6 किस्म की स्टिक्स जो है वो टीवी स्टिक्स फेस पे लगा के जो है ना वो ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. अच्छा अब हम देखते हैं यहाँ पर अच्छा ये जो उनका हेयर कट जहाँ से स्टार्ट हुआ है, अगर हम कोई टेक्निकल इसकी कोई यू नो टर्म है कि अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें कि अब कौन से हेयर कट की तरफ जा रहे हैं एसन के. ओके, सो साइड्स एंड बैक आर गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट बिकॉज हमारा मौसम भी ऐसे, अभी तो खैर बहुत ज़बरदस्त सर्दियाँ हो रही हैं, लेकिन गोइंग इन टू समर्स विच इज़ वेरी सून, इट्स ऑलवेज प्रैक्टिकल टू हैव स्लाइटली शॉर्टर हेयर, वॉश एंड वेयर हेयर. आई डोंट बिलीव कि आदमियों को बहुत टाइम लगाना चाहिए सेटिंग के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़े, वो चाहे मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं चाहे स्विमिंग से निकलें, वो हेयर शुड ड्राई इन इट्स प्लेस. दैट्स व्हाई वी वर्क विद प्रिसिजन हेयर कट्स. उसकी इतनी चेकिंग और क्रॉस चेकिंग होती है कि इट ग्रोज आउट रियली नाइसली एंड इट फॉल्स इन टू प्लेस विदाउट मैनी प्रोडक्ट्स और स्टाइलिंग. सो वी आर गोइंग टू कीप द साइड्स एंड बैक शॉर्ट एंड वी आर गोइंग टू टेक्सचराइज द टॉप, जो कि बहुत टाइम से कोई अजीब सा फैशन निकला हुआ है, जो इधर से मैं कहती हूँ आरी से मांग निकाल के यूं वाले बाल मुझे देख के भी बहुत बुरे लग रहे हैं, लेकिन अभी वील जस्ट मेक इट मोर एफर्टलेस, मोर नेचुरल, टचेबल, those words. So that is the and still if we keep a very nice sculpted beard, it will offset it and look really nice and young and modern. Absolutely. Effortless जो आप कह रही हैं ना, I think it's extremely important. जब भी हम जाते हैं एक हेयर कट के लिए, खासतौर पे ख्वातीन, उस दिन जो है ना उस दिन तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि ब्लो ड्राई हुआ हुआ है, बड़ा अच्छा, इजी टू मैनेज. और फिर जब अगले दिन आप नहा के निकलते हैं, आप कहते हैं ये क्या हुआ है. सो एंड आई नो दिस अबाउट नबीला पर्सनली बिकॉज मेरी मदर इन लॉ जो है वो लिटरली हर 3 महीने के बाद करवा रही होती हैं. सो द गुड थिंग इज कि कोई भी हेयर कट आप कराएं, If you're a man, if you're a woman, अगर आप उसको मैनेज आसानी से कर पाए ना, that's the goal, right? Exactly, exactly. तो you see, when I do a haircut, I am leaving my signature on your head. और आपने अगर 6 महीने तक कट नहीं कराया, so every morning what happens to your hair is my responsibility. So that's why I have to be very careful. Bilkul. And you have to choose wisely. Absolutely. और फिर उसको मैनेज करना, मेंटेन करना is very, very important. अच्छा यहाँ पर अब अगर हम इकरा जो हैं उनके हेयर कट को भी डिस्क्राइब करना चाहें कि इसमें एग्जैक्टली अब क्या चेंजेस हो इनके. ऑलरेडी देखें उन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट कराया, आई थिंक एक आध साल पहले, तो रूट्स का टेक्सचर अलग था, एंड्स का अलग था, एंड्स ड्राई थे, वी हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दी एंड्स. एंड आई थिंक के इनका जो फेस शेप है उसके हिसाब से ये अक्सर ये हाइट देकर अपना क्लिप लगा कर करती हैं. एंड आई फील लेट्स फ्लैटन इट, लेट्स ब्रिंग द हेयर ऑन योर फेस, it will cover a lot of it and it will just be more flattering. So that is the intention. That's why hum isme layering mazid nahi kar rahe, jo hua hai usi ko hum length jo hai takriban 4-6 inch nikal kar usko very sharp लाइन दे रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट आयरन करके, सूटेबल फॉर एन ऑफिस जॉब. ऑफ कोर्स इन द समर शी कैन टाई अ पोनीटेल, शी कैन डू अ मैन बन, एज लॉन्ग एज इट्स सिंपल. आई फील के डेस्क जॉब में स्पेशली दिस पार्ट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, विच शुड बी सिंपल. ऑफिस में कुछ चीज़ें हैं जो थंब रूल्स हैं, एंड आपने जो इमेज की बात की, स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि 4 सेकेंड लगते हैं फॉर यू टू फॉर्म एन ओपिनियन.
किसी पे इम्प्रेशन फॉर्म करने में 4 सेकेंड लगते हैं 100% बेस्ड ऑन द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ. एब्सोल्युटली. हम जैसे गाड़ी में बैठे कोई फकीर आ रहे हैं, हम दूर से बात सुने बगैर माफ कर दो. कोई सूट में आ रहा है तो जी आप क्या कह रहे हैं, कोई डाकू है तो उसकी अलग शक्ल है. तो हमारे दिमाग में परसेप्शंस हैं कि कौन कैसे कपड़े पहनता है. इसलिए इट्स अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग. एक तो ये कि आप कपड़ों के बेस पे किसी को जज कर रहे हैं, लेकिन इट्स अ गुड थिंग कि अगर आपने अपना मटेरियल चेंज करना है तो रैपिंग चेंज कर दें. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. अच्छा नबीला, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि इकरा का तो आपने बताया था कि आपने प्री सर्विसेज उनको क्या दिए हैं, आपने बताया था कि यू नो चॉप किए थे हेयर. सो आपने ऐसा ही कुछ एहसन के लिए भी किया है इससे पहले का इनका कुछ है या फिर फ्रॉम स्क्रैच यहाँ से स्टार्ट हुआ? जी इकरा के हमने कलर सही किया क्योंकि वो 2-3 कलर थे, कुछ ग्रेस थे. फिर हमने उनकी ट्रीटमेंट की है जो बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ कर देते हैं. और अब हम उनका कट और फ्लैट आयरन से बाकी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं. और जो एहसन है उनको हमने फ्रेश स्टार्ट किया है बिकॉज उनका सिर्फ कट और बियर्ड की ज़रूरत है और स्किन की, विच वी कुड हैव डन टुडे. दिस वुड हैव टेकन मोर टाइम, दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड यस्टरडे. ओके ओके. अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी सवाल अगर पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं. और ये जो अभी नबीला ने कहा भी था ना कि ऊपर से यहाँ से उठाने वाला जो एक रिवाज है, मुझे पता है देयर वाज अ टाइम ये एक ठीक है फैशन था. और अभी तक नबीला आए टॉक टू सो मेनी पीपल, लाइक ये क्या आपके सर पर बनाया, देयर लाइक ताकि बाल मुँह पे ना आए. अच्छा, वो कहते हैं हाइट क्यों चाहिए, आप जितने कद के हैं वो काफ़ी है, अभी आप सर पे क्यों ये ताज बना रहे हैं. लेकिन एक देखें, दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज स्पेशली फॉर वर्किंग वेमेन के घर में आप बेशक बेगम साहब या जो भी आप ट्रेंड्स फॉलो करते हैं करें, लेकिन एट वर्क द फोकस शुड रिमेन ऑन योर एफिशिएंसी, ऑन योर स्मार्टनेस, ऑन योर सिंप्लिसिटी, क्लासिक. इधर कोई जगह नहीं है जो आप नया अपना जोड़ा जो प्रिंट का आया हुआ है आजकल मार्केट में दिखाने ला रहे हैं, या अपने अंडरगारमेंट्स जो हैं वो कहीं से दिख रहे हों, वेदर इट्स लेसी और एनी कलर्ड, यू नो. सो कीप इट सिंपल, द फोकस शुड नॉट गो ऑन योर बॉडी, इट शुड स्टे ऑन योर फेस एंड ऑन योर शार्पनेस, ऑन योर पर्सनैलिटी. एंड दीज फैशन ट्रेंड्स प्लीज लीव देम फॉर वर्क और सॉरी फॉर होम और वीकेंड्स. काम पर ये जो हाइट हमें बेगम साहब बनने का जो शौक है ना, मुझे समझ नहीं आता वो क्यों है. वो मैंने जब जिन लोगों से पूछा यूजुअली वो ये बोल रहे होते हैं कि नहीं, वो इसलिए कि मुंह पे बाल ना आए, तो ये भी जो हो रहा है मुंह पे नहीं आएंगे, मुंह पे नहीं आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल इसमें होगी. अच्छा यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इकरा का प्री सर्विसेज जो हुई हैं जिसमें जो है वो बालों का कलर भी इंक्लूडेड है, जिसमें थोड़ी सी चॉपिंग ऑफ भी इंक्लूडेड है, वो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं. और हम ब्रेक पर जा रहे हैं. सो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आप देखेंगे कि एसएन का प्री वर्क में क्या क्या इंक्लूडेड था वो भी आपको दिखाएंगे. एंड जल्दी से वापस आ जाइए बिकॉज अभी हमने बालों से स्टार्ट किया, अभी बहुत कुछ और होने वाला है, लाइक द इंटायर मेक ओवर इमेज का बिल्कुल हम चेंज करके आपको दिखाएंगे. इफ़ यू आर अ वर्किंग वूमन और अ वर्किंग मैन, और अगर नहीं भी हैं तो अपने आप को ग्रूम कैसे कर सकते हैं, राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. मेरा नाम इकरा है, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ. मैंने रिसेंटली एक पोस्ट देखी थी नबीला की, उसके बाद मैंने अपनी एंट्री सेंड की थी और मैं सेलेक्ट हो गई हूँ. आज मैं सैलून आई हूँ अपने प्री सर्विसेज के लिए. नबीला मेरा मेकओवर करेंगी और ये मेरा बिफोर लुक है, आफ्टर लुक देखते हैं क्या होता है. वेलकम बैक, आ चुके हैं हम वापस नबीला चेंजेस द ब्रेकफास्ट शो. एंड आपने देखा कि एसएन जो है उनका मैनी पेडी भी हुआ है, जो कि हमारे यहाँ यू नो लोग थोड़ा सा कतराते हैं कि नहीं लड़कों को कराने की जरूरत है. बिल्कुल है, हर इंसान को, अगर आप इंसान हैं तो आपको जरूरत है. वेल अब हम जाएंगे जरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, विच इज़ कपड़े, शूज, ज्वेलरी. और इसको बताने के लिए हमारे साथ एक और ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि आप फॉलो करते हैं, एंड हम फाइनली मिलवाने वाले हैं आपको ब्रेकफास्ट शो में ताबिश खोजा, जिनको हम खोजी के नाम से भी जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वेलकम टू द शो. थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो. मोस्ट वेलकम. अच्छा नबीला, जो सबसे बड़ा एक इशू होता है ना वो ये होता है कि जब हम सुबह सुबह अपनी वार्डरोब खोलते हैं
वी डोंट नो क्या पहनना है. आपने यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है जो कि मुझे लगता है आसान हो जाएगी लाइफ. सो किस तरह से आसान होगी ये लाइफ? ओके, पहले तो हमने देखा है कि हमारी जो इकरा हैं उनके फेस पे कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं. अभी इन्होंने दो तीन दफ़ा मेरे से जो मुलाकात हुई इन्होंने डार्क कलर्स पहने थे जबकि इनकी स्किन पे लाइट कलर्स बेहतर लगेंगे. सो पेस्टल्स. सो अगर आप थिंक लाइक अ मैन, ओके, कि उन्होंने टॉप्स अपने रखे हैं जो कि बहुत कवरिंग कंफर्टेबल कॉटन हमारे माशरे के हिसाब से, हमारे मौसम के हिसाब से, उनके जिस्म के हिसाब से, इनकी पर्सनैलिटी और जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बहुत सूटेबल हैं. एंड देन देर आर सम पैंट्स और लोअर्स, शलवार्स इफ़ यू लाइक. एंड देन देर आर सम क्या कहते हैं स्कार्व्स, वेदर दे आर प्लेन और लिटिल बिट ऑफ प्रिंट और लिटिल बिट ऑफ शेडिंग ऑम्ब्रे, यू नो. सो अगर आपने अपनी वार्डरोब इस तरह से प्लान की हुई है. एंड शूज़ अगेन फॉर हर, वी रेकमेंड शूज़ दैट आर कंफर्टेबल प्रैक्टिकल. चाहे वो जिस तरह से भी सफ़र करके काम पे आती हैं, हाई हील्स की ज़रूरत नहीं है. आई पर्सनली प्रिफर के टोज ना दिखें अनलेस दे आर ब्यूटिफुली मैनिक्योर्ड. और बहुत गर्मी हो रही है उसमें भी एक तरीके के हों, बिल्कुल सैंडल और उस तरह के जूते ना हों. तो इस तरह की अगर प्लानिंग आपने की हुई है तो ताबिश बताएंगे कि इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. ताबिश, ओके. सो एज नबीला सेट कि यू नो एक वास्ट आपके पास वैरायटी हो, मे बी आपके पास 7 जोड़े ही हों, मगर इस तरह के जोड़े हों जो आपकी स्किन को कॉम्प्लीमेंट करते हों, जो आपके बॉडी शेप को कॉम्प्लीमेंट करते हों. कीपिंग दैट इन माइंड, फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी हैज दिस काइंड ऑफ एन आउटफिट, उसके ऊपर दे कैन पेयर दीज ट्राउजर्स विद अ लवली स्कार्फ विच इज here. So you know it just makes a lot of sense ke there's richness to it, there is you know bahut zyada fitted nahi hai, bura nahi lagega, compliment karega skin tone ko, compliment karega aur hum pe is tarah ke colors bahut acche lagte hain. Coming to jewelry part, you know that is also very very important in terms of jewelry. I would suggest ke bahut zyada aksar maine dekha hai kaam pe hai na, ya to bilkul nahi pehante. खाली कान से मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है. अच्छा. तो यू नो या तो बिल्कुल नहीं पहनते, या तो पहनते हैं तो इतना पहन लेते हैं कि उनको पता नहीं होता कि लिपस्टिक भी इतनी डार्क होती है, तो कानों में झुमके भी पहन लेते हैं, हुप्स पहन के आ जाते हैं. यू नो इस तरह की चीज़ें अवॉइड किया करें. बहुत बहुत मिनिमल अप्रोच रखें इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी. बहुत ज़्यादा घड़ियाँ और ब्रेसलेट्स और बहुत ज़्यादा बुंदे और इस तरह की चीज़ें नहीं. बहुत छोटी छोटी आप इधर देख रहे होंगे, इधर आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इट लुक्स वेरी नाइस. लिटिल डायमोंडीज, लिटिल पर्ल्स, यू नो जस्ट टू मेक इट लुक वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड विच कॉम्प्लीमेंट्स द इंटायर लुक. एब्सोल्युटली. जो हम लेस इज मोर की बात करते हैं ना, वो सिर्फ बात मेकअप या बालों की नहीं होती. बाल, मेकअप, देन ये सारे यू नो आपके आउटफिट्स की कलेक्शन और सिलेक्शन. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज जब आप काम करने घर से निकलते हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि आप सेव भी करना चाहेंगे. अब लॉन की अगर हम ड्रेसेस लेते हैं जो स्पेशली वो जो प्रिंटेड ड्रेसेस होते हैं, 3 पीस जिनको हम कहते हैं, आई वाज सरप्राइज टू सी 15,000, 25,000, 20,000. सो इस तरह से आप एक्चुअली बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हो के कॉस्ट इफेक्टिव है. इसके अंदर आप लाइक पूरा आउटफिट आपका 1,000 रुपये में बन सकता है. बिल्कुल. अच्छा, मैं चाहती हूँ कि ये वाले भी थोड़े से आप यहाँ पे जो कुर्ता शर्ट्स हैं ये भी थोड़ी सी और दिखाएं, बिकॉज अगर आप गौर करें यहाँ पे कि एक साइड पे कुर्ता शर्ट्स हैं, एक साइड पे पैंट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, आपके पास आपके पास बेज होना जरूरी है, ट्राउजर व्हाइट ट्राउजर होना जरूरी है, एक डार्क कलर होना जरूरी है. सो यू नो यू कैन मिक्स एंड मैच विद फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर लाइक दिस गोज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये जो ये यू नो पेस्टल्स को, न्यूट्रल्स को जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं ना. सी आई मीन मैं आपको कॉम्बिनेशंस दिखा रही हूँ. हाँ. कि आपने किसी दिन ये पहन लिया, किसी दिन ये पहन लिया. Yes. आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू नो समथिंग और द अदर इज रियली कॉम्प्लीमेंट्स. यू नो आप ये देखें, यू नो 3 रंग से आपका पूरा दिन निकल जाएगा. बिल्कुल. अच्छा, और यही सारा हमारा मकसद ही ये है कि वर्किंग लोगों के लिए उनको सोचने में टाइम कम वेस्ट करना पड़े. पता है सुबह टाइम बहुत वेस्ट होता है इस चीज के अंदर कि अब क्या पहने. बिल्कुल. क्या पहने, और सुबह से मौसम को दिमाग में रखते हुए कि बाहर गर्मी होगी, अंदर सर्दी होगी, कि अभी शाम में शायद हमें किसी यू नो हाई टी पे चला जाना पड़े या फ्रेंड्स के साथ लंच पे हो. So you know it's very important to look very very presentable, you know? Absolutely. Yet comfortable. Absolutely. Yeah, ab ye iska bilkul ek change ho gaya hai. Kaha humne beige jo hai wo black ke saath pehna tha. Trousers same hai, you just have to
shift the shirt. Buy less, wear more. Yeah. Buy less, wear more. अच्छा इससे ना मुझे एक interesting बात भी याद आई है. Steve Jobs के बारे में famous है कि वो time waste करने की ना हो time waste इसलिए वो बस सारी एक जैसी shirts. Exactly. But हम अगर उतनी extreme पे ना जाना चाहें और अपनी life में ये colors भी रखना चाहें, हर दिन different भी नजर आना चाहें, तो इसमें जैसे आपने कहा था ना कि zero यहाँ पे effort भी कम है कि भाई effort कम है. And वो शो ज़्यादा हो रहा है. बिल्कुल. अच्छा मैं ये नहीं समझती कि हर कोई मेरी तरह मिनिमलिस्टिक होगा, लेकिन योर दुपट्टा और योर स्कार्फ और योर एक्सेसरी और योर लिपस्टिक इज समथिंग दैट यू कैन कम्प्लीटली एक्सप्रेस योर सेल्फ विद. इट कैन बी मजेंटा, इट कैन बी प्रिंटेड ट्रक आर्ट, वट एवर, लेकिन बेसिक्स जो हैं वो सिंपल होने चाहिए. बिल्कुल. वो कहते हैं ना सिग्नेचर. तो हम आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि अब बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं हमें ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है. नो, तो आप अगर ट्रेंड्स में देखें कि अगर आप एक चीज़ पूरी प्लेन है तो कोई एक सिग्नेचर चीज हो, कोई एक ऐसी चीज हो विच इज लाइक यू नो स्टेटमेंट, वेरी लाउड स्टेटमेंट पीस. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. और ये जो आपने नबीला शूज का बताया ना, इट इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज कोई भी इंसान रोज पेडिक्योर नहीं करवा सकता. बिल्कुल, right? बिल्कुल. और अगर आपने करवाया भी है चिप हो जाता है नेल कलर एकदम से, तो ये एक बड़ी अच्छी टिप है कि नेल्स अगर टोज अगर ना देखें, that is I think very the best. हाँ, you know, at work space. And these shoes again, इन्होंने जो पहने हुए खुद से ब्यूटिफुल 700 rupees. I'm in love with them because classic, simple, you know, or even second-hand shoes are available in the market. Bilkul. And they are not very expensive. Bilkul. I love it. I mean, go for it. Bilkul, absolutely. Ek cheez mujhe itni achhi lagi na, which is practical. Ek V shape jo shoes hote hain, I know wo bahut pyare lagte hain. Wo duniya ki sabse uncomfortable cheez mujhe lagti hai. To kabhi agar aapne get together koi pehen le, lekin kaam ki baat hum kar rahe hain. Kaam pe jaate hain. Aaj jo hai kaam ki baat hogi. Kaam pe jaate hain mujhe aisa lagta hai. Wo do patti wale chappal. Do patti wale and wo wale jo V shape hota hai. So wo aksar ek meme bhi hai. कि भाई जिमी चू को क्या लगा था कि बीच में जो है वो सबसे लंबा क्या हमारा थंब बीच में है. अच्छा वो पॉइंटेड शू. ओके वेरी अनकंफर्टेबल, वेरी अनकंफर्टेबल. कोन शेप यस, कोन शेप, एब्सोल्युटली. अच्छा जी, अब यहाँ पे हम फोकस करती हैं, मेकअप भी स्टार्ट हो चुका है. मेकअप अगर आप देखें, शी इज़ लाइक अ हनी कलर, लाइक एन ऑलिव कलर. हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बहुत गोरा ना करें. वी जस्ट मेक योर स्किन लुक प्लेजेंट, इवन अ लिटिल ब्राइटर, बट वी आर नॉट ट्राइंग टू चीट द कलर. तो जीरो मेकअप से जो हो रहा है, इनका कलर जो है तकरीबन हनी और क्रेम के बीच में है. एंड यू नो, अगर आप सही कलर यूज़ करेंगे तो आपको गर्दन कान वान पे नहीं लगानी पड़ेगी फाउंडेशन. अच्छा एक मिनट, अगर ब्लो ड्राई किया हाँ, फाउंडेशन नहीं लगाना पड़ेगा आपको. तो इट हैज़ टू बी बिलीवेबल एंड दैट्स व्हाई द जीरो मेकअप लुक इज रियली गुड. इनके हमने आईब्रोज और स्किन पे थोड़ा सा कल काम किया था, हैंड्स एंड फीट पे भी काम किया था, सो दैट टुडे वी कुड सेव टाइम. ओके, और अब जीरो मेकअप से इनकी स्किन हो रही है, एज यू कैन सी. अच्छा नबीला, आईब्रोज पे जो आपने काम किया था, इज देयर एनी हार्ड और फास्ट रूल की कोई खास किस्म की आईब्रोज इन है या जो फेस पे सूट करता है? Personally, I don't follow in or out. I follow what suits your face. Okay. And the less you do, the better it is, because wo jo sharp lines hoti hain, they make you look a little older and a little dated in my opinion. So, you know, ek hai ke agar naak se eye corner pe aap ek koi brush ya stick ya pencil rakhein, that's where you should start. Okay. Then you go there and you do nose corner, corner of the eye, that's where it should end. Aur eyeball pe karein, so that should be the highest point. That is one rule which I think is more or less very timeless, which you should follow, because jo arch hai, wo just lifts your eye a little bit. And personally, I don't like threading. I feel ki aap plucker se karein, taake outlines jo hain, wo soft. ओके, वो जो शार्प शार्प अक्सर लोग जो है ना, वो एक काइंड ऑफ एन आर्च बहुत शार्प हो जाता है, सो वो एक डिफरेंट एक शार्प सा लुक देता है, राइट. अच्छा अब मैं ये चाहती हूँ कि हम वहाँ पे भी देखें कि आपने जो कहा था कि हम एग्जैजरेट करेंगे बियर्ड को, ये किस तरह से हम करने वाले हैं? अब आप देखें कि बियर्ड पे काम हो रहा है और यहाँ से अगर हम उसको स्लिम करेंगे तो यहाँ पे उसका लेंथ ज़्यादा दिखेगी. सो थोड़ी सी वो ट्रिक्स होते हैं जिससे हम यहाँ पे एग्जैजरेट कर रहे हैं एंड फ्लैटरिंग दिस मोर. वी आर क्लीनिंग अप दिस लाइन ताकि यहाँ से शार्प लगे. ओके, ताकि जो बाल सॉफ्ट हैं वो उसको ऑफसेट करे द शार्पनेस इस जक्स्टापोज्ड. ओके, एंड ये मुझे कुछ कुछ रिमाइंड करा रहा है दैट फेमस टर्किश सीरीज जिसके बाद एक ट्रेंड हो गया है. बिल्कुल बिल्कुल, बियर्ड्स आर वेरी ट्रेंडी राइट नाउ. एब्सोल्युटली. ओके, अब
आप लोग अगर कॉल करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, और अगर आप लोग आना चाहते हैं नबीला के पास अपनी यू नो स्टाइलिंग के लिए, मेकओवर के लिए, तो बिल्कुल आ सकते हैं। वो मैं नबीला से शायद ब्रेक में पूछूंगी कि इफ़ देयर इज़ एनी ऑफर फॉर यू कि आप आएँ और मेकअप मेकओवर जो है वो करवाएँ नबीला से। अच्छा, यहाँ पर अब जो कंसीलर पहले हो रहा था या उसी का ये पार्ट अभी चल रहा है जो इकरा ये कंसीलर के तौर से ब्लरिंग पेन यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ विच वर्क्स लाइक एन एक्सेलेंट कंसीलर, और बेस जो है हमने जीरो मेकअप से की है। अब वो थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं पेन से, एंड यू नो द पेन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज पेन का जो डार्केस्ट कलर है वी एक्चुअली यूज इट एज अ कॉन्टूर। सो अगर आप देखेंगे तो इट्स लाइट वाला भी देना मुझे। हाँ, सो अ लॉट ऑफ पीपल बाय दिस एज अ कंसीलर के लिए। सॉरी, यानी यूजुअली कंसीलर्स में क्या होता है कि आपको एक किट खोलनी पड़ती है, ब्रश निकालें या कोई भी यू नो इवन अगर क्रीम वाला भी है तो फिंगर से करना पड़ता है। सो उसमें ये करने की जरूरत ही नहीं है, यू जस्ट सो वी हैव टेकन द लाइट द डार्केस्ट एंड दिस इज द लाइटेस्ट। सो ये दोनों जो है वो आप अपना कलर आपने लगा लिया, फिर इन दोनों से जो कॉन्टूरिंग आपकी बहुत और हाइलाइटिंग बड़ी जबरदस्त हो जाती है। ठीक है, व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, परफेक्ट। अच्छा, ब्रेक पे जाने का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जो वापस आएंगे मेकअप पे, अभी अब जो सारा मेरा फोकस होगा ना आपको दिखाना, वो ये होगा कि जो लोग भर के आई शेड और भर के आईज को जो ज्यादा कर लेती है, मैं नबीला से जानूंगी ब्रेक से वापस आने के बाद कि वर्क फेस पे क्या अच्छा लगता है जिसपे आप खूबसूरत भी लगे, लेकिन लेस इज मोर वाली कहानी भी जो है वो हो। हम ब्रेक पे जा रहे हैं और आप एक पैकेज भी देख सकते हैं जिसमें कुछ मेकओवर्स हम आपको दिखाना चाहते हैं बाय नबीला। सो उसको देखते देखते जाइए हाउ नबीला चेंजेस, एंड फिर हम वापस आएंगे नबीला चेंजेस द ब्रेकफास्ट शो में। वेलकम बैक, आ चुके हैं हम नबीला चेंजेस द ब्रेकफास्ट शो में वापस, और यहाँ पर ताबिश भी हमारे साथ हैं। और अब हम आपको बताएंगे कि हम हमेशा कहते हैं ना कि भाई औरतों के कपड़े उनकी स्टाइलिंग, लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर मेन कि वो सोचे वो क्या पहन रहे हैं। एस्थेटिक्स पे काम होना उनका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर पूरी कलेक्शन है ऑफ ऑल द क्लोथ्स, शूज़ हैं, कुछ एक्सेसरीज़ हैं, ये भी अब आपको दिखाएंगे ताबिश, समझाएंगे कि क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप बनाने वाले हैं। जी ताबिश, सो जिस तरीके से फीमेल वार्डरोब इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी तरीके से मेल वार्डरोब इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से हमने एक फार्मूला आपको समझाया कि यू हैव फ्यू जैकेट्स, फ्यू शर्ट्स इन योर वार्डरोब वेयर यू नो यू कैन मिक्स एंड मैच, ज़्यादा आपको सुबह सोचने की ज़रूरत ना पड़े, और यू कैन जस्ट पेयर थिंग्स विद वन जैकेट और द शर्ट और द ट्राउजर्स। सो यू नो सबसे ज़रूरी कलर्स जो होते हैं वो खाकी होते हैं, ब्लैक्स होते हैं, वाइट्स होते हैं, कीपिंग द सीज़न इन माइंड। यू नो समर ट्राउजर्स विंटर्स में नहीं चल सकती हैं, विंटर ट्राउजर्स समर्स में नहीं चल सकती हैं, बट कीपिंग कराची इन माइंड स्पेसिफिक आई फील के जो कलर्स हैं ना वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। हमारी स्किन टोन्स पे एक सर्टन कलर्स अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा पटाखा कलर्स ऑफिस कॉर्पोरेट वाइब के अंदर इट रियली डजेंट कॉम्प्लीमेंट। सिटिंग इन ऑफिस इन अ फूशिया पिंक कलर शर्ट इट लुक्स रियली रियली बैड, इवन इफ इट्स इन योर वार्डरोब हैंगिंग इट जस्ट लुक्स वेरी आउट ऑफ प्लेस, यू नो। सो कुछ कलर्स हैं जो कि आपके वार्डरोब में ज़रूर होने चाहिए, वाइट शर्ट्स, ब्लैक शर्ट्स, ब्लू शर्ट्स, बेज शर्ट, यू नो अगर आप बहुत फेयर हैं सो यू कैन डू बेज, इफ़ यू आर लिटिल टैन यू कैन गो टूअर्ड वाइटर एंड पेस्टल साइड ऑफ इट, यू नो सो इट जस्ट आप यू कैन ऑलवेज मिक्स एंड मैच। फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस जेंटलमैन दैट वी हैव ओवर हियर वी आर गोइंग टू डू लाइक अ रियली ब्यूटिफुल ब्लू जैकेट विद दिस वाइट शर्ट, नाइस, ओके, पेयर्ड विथ मे बी
It can be worn with blue, beige, khaki trousers or even blue jeans or even like a grey trouser. Okay. Would really complement actually. So, यहाँ पे कोई hard and fast rule नहीं है. ये तीनों combinations आपको बता दी हैं. ताबिश ने ये आप कर सकते हैं. अच्छा caller हमारे साथ मौजूद हैं कायनात. उनसे बात करते हैं. Hello, assalam alaikum. वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक कायनात, आप कैसी हैं और कैसा लग रहा है आज का शो? बहुत जबरदस्त शो है, एज यूजुअल आप बहुत अच्छा शो कंडक्ट करती हैं और आपने इतने अच्छे गेस्ट बुलाए हैं कि बस ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि नबीला आई हुई है और ये ड्रेस डिजाइन आपने बुलाए हुए। थैंक यू सो मच। अच्छा आपको सीखने को अभी मुझे बताएं क्या सबसे अच्छी बात क्या लगी, बिकॉज मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट ये था वार्डरोब वाला। आई वाज लाइक अब मैं घर जाते ही अपनी वार्डरोब ऐसे ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। सो आपने अभी तक क्या अच्छी चीज सीखी है? एग्जैक्टली, मुझे ये भी पता चला कि कौन से कलर हमारे पास इन होने चाहिए, मस्ट हैव इन द कबर्ड, अपने कबर्ड में हमें क्या चीजें मस्ट रखनी चाहिए और क्या फैशन में है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अभी और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई सवाल करना चाहेंगी नबीला से? जी, मैं पूछना चाहती हूँ नबीला से अगर मेरे अपने बालों के बारे में, प्लीज बताइए सवाल कीजिए। आजकल बाल स्ट्रेट हैं या परमिंग वाले इना हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, नबीला आपको अभी बता देती है। नबीला कौन से इन है बाल, ये बता दें। अच्छा, बालों के लिए भी फेस के तरह आप इन और आउट ना देखें, आप वो चीज़ करें जो आपको सूट करती है और आपके बालों पे सूट करती है। और यूजली जो है ये नेचुरल प्रोग्रेशन होती है कि अगर आपके बाल बहुत टाइम लंबे रहे हैं तो आपका दिल चाहता है छोटे हों, छोटे हैं तो आपको लंबे करने होते हैं, सीधे हैं तो कर्ली करने होते हैं। तो 80s 90s में पर्म बहुत करते थे टेक्स्चर के लिए, और उसके बाद में जो है वो फ्लैट आयरन और स्ट्रेटनिंग और वो केराटिन और वो सब शुरू हो गए क्योंकि हर एक को स्ट्रेट चाहिए थे। पिछले कुछ 6-8 साल से टेक्स्चर्स आर इन विच इज़ मोर वेवी, लेकिन अब वो पर्म से नहीं अचीव करते, अब वो टोंग से या वो जो मैजिक कर्लर होता है उससे, या जैसे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने थोड़ा सा स्क्रंच करके ग्रीसी सा कुछ क्रीम लगाया है ताकि वो बिल्कुल लगे कि सुबह उठ के आ गए बाल कंघी। ये जो आप कह रही है ना आपने कुछ नहीं किया, मैं चाहती हूँ, मैं ये आपसे मैं सवाल भी करना चाह रही थी। और मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो जब नबीला से हेयर स्टाइलिंग या कट करवा के आते हैं तो आप हमेशा एम्फसाइज करती हैं कि जो आपके बालों का अपना टेक्स्चर है, प्ले विद इट, उसी को करें ताकि ईजी टू मैनेज हो। राइट, एग्जैक्टली, लाइक एवरीथिंग एल्स वी वॉन्ट टू वर्क विद इट एंड नॉट अगेंस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। सो इन और आउट को छोड़ के अगर आप देखें कि कट की लेंथ क्या है तो इट्स मोस्टली मिड लेंथ, जैसे आपकी लेंथ है, अ लिटिल बिट शॉर्टर, क्योंकि वो जो बहुत लंबे क्या होते हैं मरमेड हेयर रख रख के अब थोड़े से वो बोरिंग लग रहे हैं। सो एवरीवन्स गोइंग ब्लंटर, शार्पर, शॉर्टर, वेदर इट्स टेक्स्चर्ड और स्ट्रेट। सो दैट्स द हेयर कट दैट्स इन, बट टेक्स्चर जो आपको सूट करे, जो आपके बालों को सूट करे, एफर्टलेस लगे, और टोंग से कर्ल करें, प्लीज परमिंग सॉल्यूशन से कर्ल ना करें। ठीक है। अच्छा नबीला, ये बताइएगा प्लीज कि आपकी कितनी ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ पे ये ब्रांचेस हैं? सो लेडीज सैलून हमारे कराची में दो हैं, क्लिफ्टन में और KDA में। वी हैव वन इन लाहौर इन गुलबर्ग and one in Islamabad. We are opening one in Pindi and inshallah more in Punjab. Oh nice, Punjab mein bhi hoga. Okay. And then gents, we have 3 branches in Karachi, one in Clifton, one in KDA, one in Defence, and then one in Lahore. More opening up in Islamabad. All right. अच्छा जी, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ एक्सेसरीज भी कुछ हमारे पास हैं। ताबिश प्लीज बताइएगा कि कौन सी चीज़ों के साथ किस तरह की एक्सेसरीज जाती हैं। Okay, so जिस तरह औरतें ज्वेलरी पहनती हैं उस तरह आदमियों के लिए एक्सेसरी होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अ गुड वॉच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, लेदर बेल्टेड वॉच और ब्राउन और ब्लैक ज़रूर आपके पास होना चाहिए। अक्सर लोग सिल्वर चेन वॉचेस पहनते हैं, दे ऑल्सो लुक वेरी वेरी नाइस। कीपिंग दैट इन माइंड, यू नो, कफलिंग्स जो एड ऑन करते हैं टू योर स्लीव, लिटिल डिटेल, यू नो, सन ग्लासेस, और अगर आप नंबर वाले ग्लासेस पहनते हैं तो उसका भी क्या फ्रेम का शेप होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए आपके फेस शेप के हिसाब से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यू नो दैट इट नीड्स टू कॉम्प्लीमेंट योर entire character that you are, rather than के फलाने ने पहना था तो मैं भी पहन लेता हूँ बिकॉज मेरे पे भी अच्छा लगेगा, इस तरह से नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी वेरी वेरी इंडिविजुअल, यू नो। यू कैन हैव pocket squares इस तरह से, यू कैन ऑलवेज, देयर इज़ वन हेयर ऑलरेडी, यू नो, पॉकेट स्क्वेयर्स एड अ लॉट ऑफ टेक्स्चर एंड अ लॉट ऑफ, यू नो, दे ब्रेक द कलर, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से यू कैन प्लेस टाइज, यू कैन play with ties if you like, you know, agar aapko, agar aapki job is tarah ki, aapki job requirement is tarah ki, aapki meeting ki requirement is tarah ki hai, so you can always play with
really amazing colors in ties. Okay. Really अच्छा यहाँ पे मैं चाहती हूँ ग्लासेस भी सॉरी दिखा दीजिएगा कि इसमें डिफरेंट शेप्स हैं ग्लासेस में सो हम चाह रहे हैं कि हम जरा इसको कैप्चर करें लाइक यू सेड कि हर फेस पे हर चीज आपको सूट नहीं करती सो यू नीड टू नो कि आज चीज आपको सूट कर रही है राइट बिल्कुल सो आप देखेंगे फ्रॉम क्लियर गोइंग इन टू डार्क गोइंग इन टू कलर यू नो सो देर इज अ गुड वेरिएशन कि आपके पास एक कलर पेंटोन आपके पास एक ग्रेड ऑफ कलर्स हैं जो कि आप डिफरेंट आउटफिट के साथ पेयर अप करके और अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं ओके ओके कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड वी हैव शूज आल्सो व्हिच रियली नीड्स टू कॉम्प्लीमेंट द एंटायर आउटफिट यू कैन ऑलवेज ब्रेक अक्सर हमने देखा है आदमी ज्यादातर ब्लैक और ब्राउन शूज के ऊपर ही प्ले करते हैं विच इज़ वेरी सेफ अंडरस्टैंडेबल के वो सब कुछ सब किसी को मैच करना नहीं आता बट ये एक छोटा सा आर्ट है जो अगर आप सीख लें तो ये आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी अच्छा जैसे कि अगर ये फॉर इंस्टेंस वी आर गोइंग टुवर्ड्स मैरून और रेड और एनी ब्राइट कलर या फिर ये ब्लू तो इसके साथ फिर आउटफिट कैसा होना चाहिए शार्प कलर्स के साथ सो डीपर कलर्स लुक गुड विथ डीपर कलर्ड आउटफिट्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू प्ले playing with a dark blue royal blue jacket you can always pair red shoes with it you know you can always pair brown with it you can always wear blue with it also you know just to complement ke बैलेंस किस तरह से देखना है आप जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा अच्छा अगर जिन लोगों को अंदाजा नहीं होता उनके लिए मेरा ये सवाल है कि डिजास्टर क्या होगा कि इन शूज के साथ आप ऊपर कौन सी शर्ट पहने तो डिजास्टर हो जाएगा वी वांट टू नो आई थिंक इट्स नबीला करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इट्स अ नो ब्रेनर कि अगर आपके पास इस तरह की वैरायटी हो शूज की इन कलर पैलेट्स की तो यू कांट गो रॉन्ग ज्यादा से ज्यादा मैं ट्राई कर रहा हूं रॉन्ग जाने की ट्राई कर रहा हूं मैं आई रियली वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं ट्राई करती हूँ रेड के साथ दिस ब्लू लुक्स रियली गुड रियली गुड शर्ट तो हो गई अब इसके साथ पैंट्स कौन अच्छा मैं डिजास्टर करने की ट्राई कर रही हूं थोड़ी सी एक टिप दे दूं स्टाइल की यू शुड ऑलवेज लेयर यू नो जस्ट ऑलवेज लेयर टू लुक मोर प्रोफेशनल जस्ट अ शर्ट and trouser will not complement as much as if you put a jacket on top or maybe if you add a waistcoat on top you know hamare jo culture mein waistcoat or even a t-shirt underneath yes wo ek thoda sa break karta hai break kar deta hai to ye add kar deta hai thodi like I'm wearing 3 layers at the moment because it's very cold outside so I'm wearing like a white t-shirt with like a this sweater inside but there's a jacket on top so there's layering so it makes me look professional enough to be in a professional environment example ki agar jis nabila keh rahi hai iske niche if you add a t-shirt and you wear a shirt it's completely fine with nice trousers also you know? because Ehsan is very young and his job requires you know e-commerce ki hai so it's young it's baki log bhi usi tarah ke hain lekin agar unka environment office ka nahi hota I would encourage him to work in t-shirt and jeans or you know wear a t-shirt inside and wear this as a jacket with rolled up sleeves wear the shirt kyunki hamare summers mein itna nahi wo jackets wagera ho sakte hain to shirt can be used as a jacket because it gives you added authority for work the collars add authority yes also one more thing that I would like to add a lot of men wear a lot of fitted clothes and they look really bad so please aap try kare ki aap fitted kapde na pehne itne because ya to aapki bodies us tarah ki nahi aap maintain kar rahe hote या तो अगर आप मेंटेन कर रहे होते तो उसको दिखाने के लिए आप इतना फिट पहन लेते हैं कि बस वही नजर आ रहा होता है अच्छा मैं प्लीज एक बात इधर ऐड करूं कि हमारे जो कॉम्प्लेक्शंस हैं ज्यादातर 80% लोगों पे ब्राउन बिल्कुल सूट नहीं करता एंड आई सॉ एन इंडियन एक्टर ब्यूटिफुल वेरी फेमस आई नेम हिज नेम इज नवाजुद्दीन एंड He is so good looking. I think his bone structure is beautiful. Always wearing brown. मेरा दिल चाहता है मैं उनको जाके बोलूँ Please, you should wear white. You should wear sky blue. Wear light pink. Don't wear brown. अगर brown आपने पहना है wear it away from your face. You know, और add another layer to it. आप खाकी pants पहन लें. अगर ये color नीचे है और ये ऊपर है, तो you are still complimenting your skin. You know. Face, and एक और चीज़ please, checks ना पहने. दफ्तर में पहन के चले जाएं सो देखें चेक्स जो है अगर आपने पहनना भी है और अगर आप कोई मॉडल हैं और आपने
ट्राउजर्स में पहने हुए चेक्स, दैट्स फाइन. शर्ट चेक्स, यू नो, अनलेस इट्स अ बर्बरी चेक और अ बर्बरी कोट और समथिंग लाइक, प्लीज, जो हमारे जो ब्राउन चेक वाली शर्ट पहन के, तो आई जस्ट डोंट इवन वांट टू टॉक टू दैट पर्सन. ठीक है यार, जो बड़े बड़े जो चेक्स होते हैं और उसमें कलर कलर्स भी बहुत सारे होते हैं. बलैरी में ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे इस बारे में मजीद बात करेंगे. कोई आपका सवाल है जरूर आप हमसे कॉल करके सवाल कर सकते हैं. जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए. अच्छा, आ चुके हैं हम ब्रेक से वापस नबीला चेंजेस द ब्रेकफास्ट शो में. अच्छा, मेन कलेक्शन की ना अभी चीज़ें बातें ख़त्म नहीं हुई हैं. अभी हम आपको सॉक्स के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा हम बेल्ट की इंपॉर्टेंस पे फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देयर इज दिस गुड न्यूज़ फॉर यू कि अगर आप जाते हैं इस वेबसाइट पे zeromakeup.com, तो जीरो मेकअप रेंज पे आपको 20% ऑफ मिलेगा. मैं आपको कोड बता देती हूँ, 0 into masala इज द कोड. इसके अलावा जितनी भी और ऑफर्स हैं, अपडेट्स हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पूरे वीक हमारे साथ जुड़े रहिएगा टू जस्ट सी कि आपके लिए और क्या क्या ऑफर्स हैं नबीला की जानिब से. अच्छा, यहाँ पे नबीला मैं चाहूँगी अब आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि हमारे जो मॉडल्स हैं इकरा एंड एहसन, अभी इनमें क्या क्या जो है वो चेंजेस हुए हैं. इकरा के हमने बाल फ्लैट आयरन किए, अभी स्टाइल करेंगे, और हमने इनका जो आईज हैं, शी हैज़ ब्यूटिफुल आईज, हमने उसको लाइनर किया है जस्ट ऑन द टॉप लिड, एंड देन लाइनर जो है हमने काफ़ी शार्प रखा है ताकि वो फोकस उनकी आंखों पे जाए. द रेस्ट इज़ डन विद जीरो मेकअप, ब्यूटीफुल न्यूड स्किन. इनका जो कलर है वो हनी है, और हमने हनी से ही लिपस्टिक की है ताकि सारे दिन ये टच कर सकती हैं अपना फेस. द स्किन इज़ लुकिंग लवली, इट्स नॉट फिनिश्ड येट बट वील पाउडर इट डाउन. और जो लाइनर हमने ज़रा थिक रखा है, देन वी ब्लेंडेड इट विद अ डार्क ब्राउन, सो थोड़ा सा और इन्हांस हुआ है. And that's it. It's fairly simple. We'll be styling her hair to make it look very, very sharp, sleek, and cover her face a little bit. ताकि वो जब डेस्क के पीछे बैठी हैं तो she looks stunning. Okay. अब इससे पहले कि हम एसएन की जाने बढ़ें, आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बड़ा मज़े का आएगा कि हमने इनको शिमरी, ग्लिटरी, पिंक, ब्लू कलर का आई शेड क्यों नहीं लगाया. हाँ, अक्सर लोग जो हैं, बल्कि इट्स टू माय हॉरर दैट आई सी कि उन्होंने ब्लू प्रिंटेड पहना हुआ है, तो वो ब्लू आई शेडो लगाया हुआ है. और आजकल कहते हैं जी ग्लिटर का फैशन है, इसलिए ग्लिटर भी है, और पर्ल का फैशन है, इसलिए हाइलाइटर भी है. तो पूरी जो ट्रेंड की बुक है वो उनके मुंह पे दिख रही है ऑफिस में. टेरिबल टेरिबल टेरिबल, यू नो, आई फील मैं अपने आंखों से पहले ठीक करती हूँ फिर मैं उनसे बात करती हूँ. आई अंडरस्टैंड. अच्छा जी, एसन की जानिब बढ़ते हैं कि एसन भी अभी जो है वो क्या क्या यहाँ पे. एसन का हेयर कट हो गया, एज यू कैन सी दैट द टॉप इज़ वेरी टेक्सचर्ड एंड वेरी एफर्टलेस. उसको ऑफसेट करने के लिए द साइड्स एंड बैक आर शॉर्ट. बियर्ड आपने देखी है कि वो क्लीन हो गई, शार्प हो गई, और उस वजह से वो लॉन्ग भी लग रही है क्योंकि साइड्स जो हैं वो अंदर हुए हैं. जस्ट क्लीनर एंड देन उनका हम ब्लरिंग पेन से थोड़े से जो एक्नी मार्क्स हैं या पिगमेंट्स हैं, डार्क सर्कल्स, थोड़े से हमने क्लीनअप किए हैं. सो अच्छा, और ये अगर आप जूम भी करें ना, जो ब्लरिंग पेन की नबीला बात बताई थी, आई नो, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कुछ लोग के लिए एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली यू नो मेन के लिए कि ओ नहीं हम ऐसी कोई चीज़. आप अगर देखें तो इट्स नॉट समथिंग जो आपको लगे कि अच्छा ये कुछ लगाया हुआ है, कुछ किया हुआ है. दिस इज समथिंग एक्सट्रीमली सटल जो कि ओवरऑल लुक को बहुत ज़्यादा बेहतर बना रहा है. ये डिज़ाइन ही ऐसे हुआ है कि इवन इन डे लाइट यू कांट टेल दैट इट्स मेकअप. It just looks very natural. Amazing. अच्छा, अब हम आएंगे जरा दोबारा से इस मेन कलेक्शन की तरफ कि सॉक्स पहनना ताबिश कितना जरूरी है. सॉक्स आई थिंक प्ले अ वेरी वेरी मेजर रोल. हम ना अपने बॉडी का ख्याल ही नहीं रखते. पता नहीं पाकिस्तानियों के साथ है या इन जनरल ये प्रॉब्लम है. वी डू नॉट टेक केयर ऑफ अवर बॉडीज इन टर्म्स ऑफ कि हम मॉइस्चराइज नहीं रखते अपने टखनों को, अपने यू नो कोनियों को, अपने हाथों को, अपने मुंह को. वी डोंट कीप देम मॉइस्चराइज एट ऑल. तो अगर आप नहीं खरीद सकते तो आप प्लीज़ सॉक्स खुदा के लिए ज़रूर पहने, बिकॉज इट लुक्स रियली, उनको छुपाने के लिए इट लुक्स रियली रियली बैड. लेकिन हैविंग सेड दैट,
it's very important to wear socks with the right shoes. Okay. Okay. कुछ shoes होते हैं जैसे loafers हो गए, Mocassins हो गए, उनके साथ socks की इतनी ज़रूरत नहीं होती. Because those are very summer shoes. लेकिन उसके अंदर जो हिडन सॉक्स होते हैं वो भी पहनने की जरूरत होती है. ठीक है, जिसको नो शो सॉक्स कहते हैं. बहुत पहले तो नहीं अवेलेबल होते थे मार्केट में, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हर ब्रांड के पास वो अवेलेबल है. तो बेसिक ग्रेज हो गए, वाइट्स हो गए, ब्लैक्स हो गए, इस तरह के अपने पास रखें. अपने बेसिक्स ठीक रखेंगे तो आपका वार्डरोब बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है. फॉर्मल शूज के साथ मैंने अक्सर देखा है लड़के सॉक्स नहीं पहनते. सॉक्स की थिकनेस भी होती है, सर्दियों के लिए मोटे और गर्मियों के लिए पतले. यू नो वो मोटे सॉक्स होते हैं तो वो पहनते ही नहीं कि हमें गर्मी लगेगी तो हम सॉक्स नहीं पहनते. तो वो पैंट खत्म हो रही है और फिर नीचे इतना स्किन का पैच है और फिर जूता है. बिल्कुल. तो वो बहुत विजुअली बहुत बुरा लगता है. सो प्लीज जो भी सॉक्स शूज पहने उसके साथ सॉक्स जरूर ऐड करें. मे बी ऐड सम कलर टू इट. इफ योर वार्डरोब इज वेरी वेरी यू नो म्यूटेड एंड मिनिमल, तो आप यू कैन ऐड कलरफुल सॉक्स टू इट, टेक्सचर्ड सॉक्स, यू कैन ऐड पेंटेड सॉक्स, यू कैन ऐड सो मच टू एंड प्ले विद कलर इन सॉक्स. यू नो इसके अलावा एक और चीज मैं जरूर बात करूंगा इज अबाउट बेल्ट्स. अच्छा, बेल्ट्स का मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन कॉलर भी हमारे साथ है, कॉलर से बात करते हैं फिर बेल्ट्स की जाने भी पड़ते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, नौशीन बात कर रही हूँ कराची से. कैसी है नौशीन और क्या पूछना चाहेंगी नबीला से? मैं नबीला से नो मेकअप का पूछना चाहती हूँ. मेरी बड़ी ख्वाहिश मेरे पास भी होता और मुझे वो इतना मतलब पसंद है. मुझे पूछना ये कि नबीला कहाँ से अवेलेबल होता है, कुछ डिस्काउंट कुछ हमारे लिए आज है तो प्लीज कर दें. आज तो लाइट भी नहीं है, मैं आपको फिर भी बात कर रही हूँ नबीला के लिए. चले आप कॉल पे ही रहे, अभी अभी आपको बता देते हैं फिर. हाँ सो जीरो मेकअप इज अवेलेबल ऑन zeromakeup.com. इससे आसान नहीं हो सकता. तो और नबीला हमें कोई देना आज होना चाहिए ना कॉलर्स के लिए, लाइट भी नहीं है पूरे पाकिस्तान में आज. जी आप लोगों को हम एक कोड दे रहे हैं जिस पर आपको 20% ऑफ दे रहे हैं, 0x मसाला. सो यू कैन अवेल योर 20% ऑफ. और जीरो मेकअप .com delivers everywhere in Pakistan and also internationally. हमारी जो व्यूअरशिप है इधर ओवरसीज पाकिस्तानीज की बहुत है, whether it's Middle East और अमेरिका और यूरोप. तो आप zeromakeup.com से जीरो मेकअप पैलेट ऑर्डर कर सकते हैं और आप हमें इनबॉक्स करके अपना शेड भी पूछ सकते हैं, अपनी तस्वीर भेज के मेरा क्या शेड है. सो वी आर वेरी रिस्पॉन्सिव. थैंक यू वेरी मच नबीला, बहुत शुक्रिया. बोलिए आशा, आज का कोई क्वेश्चन है आपका? आज का क्वेश्चन नहीं है, आज का क्वेश्चन नहीं, आज का आपका क्वेश्चन था. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. दोबारा से मैं बता दूं कि कोड जो है वो है 0x मसाला. आप वेबसाइट पे जा सकते हैं zeromakeup.com एंड जीरो मेकअप की रेंज खरीद सकते हैं. जी ताबिश, बैक टू यू, के आप इम्पोर्टेंस बता रहे थे बेल्ट की. जी so right belts with right shoes is very important. If you're wearing, it's not कोई ऐसा rule नहीं है कि black shoes होंगे तो black ही belt हो, लेकिन black की shade का कोई belt ज़रूर हो सकता है. ठीक है, black belt और brown shoes नहीं हो सकते. यू नो ये चीज़ें ज़रा weird लगती हैं विजुअली, इट इज़ नॉट वेरी इम्पैक्टफुल. सो हैव लाइक अ नाइस ब्लैक लेदर बेल्ट, हैव नाइस ब्राउन लेदर बेल्ट, हैव सम फैब्रिक बेल्ट फॉर यू नो समर वेयर के लिए जो आप पहनते हैं. यू नो काफ़ी फैब्रिक बेल्ट अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर. इसके अलावा सॉफ्टर, नॉट लाइक लेदर बट सॉफ्टर फैब्रिक बेल्ट्स भी होते हैं या सॉफ्टर टेक्सचर्ड बेल्ट्स भी होते हैं दैट यू कैन यूज. ओके, अच्छा. और मुझे ये भी पूछना है आपसे कि जब हम ब्रांड्स की बात करते हैं तो एक इंसान जो कि एक मेकओवर चाह रहा है मगर उसको ये नहीं पता मैं किस शॉप पे जाऊं क्या चीज़ें खरीदूं. हम फीमेल ब्रांड्स की बात भी करेंगे, लेकिन अगर आप मेन में बताना चाहें कि कोई ऐसे जो बिल्कुल हमेशा यू नो ट्रेंडी हो आप रिकमेंड करना. आई थिंक स्माइल फरीद इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन मेन्स वेयर डिजाइनिंग और मेन्स वार्डरोब के अंदर. इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि दे प्रोवाइड यू नो दैट सॉर्ट ऑफ वार्डरोब विद इट्स यू नो. अगर हम फीमेल के लिए भी अगर आप बात करें तो जिस तरह के सिल्वेट्स और जिस तरह के कलर पैलेट्स अभी दिखाए हमने
वो आपको चैप्टर टू पे अवेलेबल होंगे, जेनरेशन पे अवेलेबल होंगे, एथनिक पे अवेलेबल होंगे, यू नो. सो ये ब्रांड्स उस तरह के सिल्वेट्स बनाते हैं. आई एम श्योर और भी ब्रांड्स बनाते होंगे, मगर जो अभी आपको वार्डरोब दिखाया गया था वो इन ब्रांड्स से था. सो दे रियली वर्क वेल फॉर दिस काइंड ऑफ सिल्वेट एंड कलर्स. मे आई ऐड समथिंग हियर के दीज आर वेरी अमेजिंग ब्रांड्स बट दे आर ऑल्सो अ बिट कॉस्टली. Personally, I love flea markets, I love Landa Bazaar, I love second hand, I love Zainab Market. वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत affordable मिल सकती हैं. और ठीक है, उनकी shelf life इतनी नहीं होगी, but they are so affordable कि अगर आपने एक season पहन के फेंक भी दिया तो it's okay. They are quite on point. जो आप ये कह रही है ना कि aesthetics, अगर आपने जैसे for instance एक basic guideline provide कर दी लोगों को कि you know play with neutrals, solids, बजाय इसके कि आप हर चीज़ पहन लें और सारी चीज़ें busy हों, तो उसमें फिर आप की चॉइस है कि आप एक सस्ती ऑप्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं या फिर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं. बिकॉज़ मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फ्रॉम सस्ता टू महंगा, और जितना महंगा जाना चाहो वो भी जा सकते हैं. बट जितनी आपकी जेब अलाउ करती है उस हिसाब से आपको, यू हैव टू मेक इट वेरी वेरी बजट इफेक्टिव. एब्सोल्युटली, महंगा डज नॉट नेसेसरीली मीन कि महंगा होगा तो वो यू नो एक स्टाइलिश ही चीज होगी, अच्छी ही होगी, ट्रेंडी ही होगी, जरूरी नहीं है. ब्रेक पे जा रही है, ब्रेक से वापस आने के बाद यहाँ हमारे मॉडल्स का मेक ओवर, बिल्कुल आप बिल्कुल जो फाइनल लुक होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे. अभी जो चेंजेस करने हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे. जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए इन नबीला चेंजेस द ब्रेकफास्ट शो. देख रहे हैं नबीला चेंजेस द ब्रेकफास्ट शो, और अब वो घड़ी आ गई है जिसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से जो हमारे दो मॉडल्स हैं वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हुए हैं. और आज का जो इमेज बिल्डिंग थी बेसिकली वो ये थी कि अगर आप यू नो ऑफिस जाते हैं, कोई भी आपका प्रोफेशन है, डेस्क जॉब अगर है, तो उसके लिए किस तरह ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं. इकरा के कपड़े भी चेंज हो चुके हैं, इनका हेयर स्टाइल भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, हेयर कट भी हुआ है, मेकअप भी हो चुका है. अब मैं इकरा जैसे ही बिल्कुल सेट हो जाएंगी मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ पे आइए. एंड नबीला, इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग, इट्स सो डिफरेंट एंड येट सो सटल. बिल्कुल, you see that's the beauty of simplicity. bilkul bilkul. acha nabila, mujhe lagta hai ki correct me if I'm wrong, middle parting ko hamare liye normalize karna, accept karna ki bhai middle parting aisi jo sleek wali hoti hai with no back combing, wo I think aapne kiya hai of course. so आपको हमारी बात किसी ने नहीं सुनी, किम कार्डेशियन ने किया तो आप कर रहे हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनता. लेकिन मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा वो सोचते हैं कि नहीं यू नो अजीब लगेगा, एक चेंज होता है तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा जरा एक डिफरेंट चीज तो होती है, बट आई थिंक इट एब्सोल्युटली लुक्स वेरी वेरी प्रोफेशनल. बिल्कुल बिल्कुल. और मैं टॉक आउट कलर, बिल्कुल बिल्कुल आप कलर का भी बता दीजिए. अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगी कि हेयर कलर अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या इन है, क्या आउट है, व्हाट डू वी हैव टू थिंक अबाउट व्हेन इट कम्स टू हेयर कलर. सी अगेन, ट्रेंड्स की आपको पता है मेरी सेंटिमेंट ट्रेंड्स के बारे में क्या है, कि इट्स समथिंग दैट वी कैन फॉलो, बट वो जो क्लासिक चीज़ें हैं दोज आर टाइमलेस. ठीक है, बीच में वो ओम्ब्रे आया था, बहुत लोग ब्लॉन्ड्स हो रहे थे, मतलब 10 साल हो गए काफ़ी ब्लॉन्ड हमने देख लिए हैं, लेकिन आई थिंक पीपल कीप गोइंग बैक टू नेचुरल शाइनी. जैसे स्किन, गुड स्किन नेवर गोज आउट ऑफ फैशन, वैसे शाइनी हेल्दी रिच लुकिंग हेयर नेवर गोज आउट ऑफ फैशन. सो अगेन, हेयर इज माई मीडियम, लाइक हेयर इज माई बेस बिजनेस एंड देन रेस्ट इवॉल्व फ्रॉम देयर. थोड़ा समय आता है. सो हेयर जो है उसकी केयर करना, उसके रेगुलर ट्रिम्स करना, उसकी अच्छा शैम्पू और कंडीशनर में इन्वेस्ट करना, और उसका जो है वो रेगुलर मेंटेनेंस विच इंक्लूड्स ट्रिम एंड इट इंक्लूड्स योर कलर, वेदर इट्स ग्लॉस, वेदर इट्स योर रूट्स, वेदर इट्स योर फुल कलर दैट यू चेंज, तो उसके बारे में सोचना. ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो अ लॉट ऑफ बालियाज इज इन. बालियाज बेसिकली मीन्स लिव्ड इन ओल्ड फ्री हैंड, यू नो, जिसमें बहुत परफेक्ट कलर नहीं है बट इट लुक्स लाइक इट हैज़ बीन डन अ वाइल अगो. एंड्स पे आ गया है, फेस फ्रेमिंग हाइलाइट्स हैं जो ज़्यादातर फेस पे हैं, डार्कर रूट्स हैं, दैट्स दीज आर ऑल ट्रेंड्स. एंड अ लॉट ऑफ पेस्टल हेयर कलर्स विच मीन्स पिंक्स और ब्लूज और स्टील ग्रेज और ग्रीन्स, ये भी काफ़ी ट्रेंड रहा है, और हम जो है उसको पाकिस्तान के सेंसिबिलिटी के हिसाब से जब ट्रांसलेट करते हैं फॉर इंटरनेशनल फर्म्स, देन वी ट्राई एंड कीप इट हिडन. सो देर इज़
you know, when you want to have something over and go to a milad looking very simple, and then if you're going to a party, you want to show your red streak or grey streak. So, hum us tarah se cleverly we interpret the trends that happen abroad. Okay. But having said that, natural beauty, shiny, rich brown hair never goes out of fashion. For men, again, a very important tip जो हम लोग एंजेंट्स पर implement करते हैं कि अक्सर लोगों के जो बाल सफ़ेद होते हैं तो वो काला कोला लगा के खिजाब लगा के वो पूरे यू नो कालीन के तरह वो बाल अपने काले टू ब्लैक यू नो वो आप जब 4 साल के थे जब ऑलरेडी वो धूप में ब्लीच होने शुरू हो गए थे सो यू वर नेवर ब्लैक सो ब्लैक डाई करके जवान लगना यू एक्चुअली लुक ओल्डर बिकॉज इट लुक्स लाइक यू आर चीटिंग Oh, बिल्कुल बिल्कुल यू नो सो अगेन टू रिवर्स दैट वी डू अ लॉट ऑफ सॉल्ट एंड पेपर कि अगर आपके बाल वाइट हैं तो हम उसमें वीव करके चीट करके थोड़ा सा ब्लैक और कर दें या हम 100% ब्लैक कवरेज ना करें हम उसको थोड़ा सा टोन कर दें सो दोज आर द ट्रिक्स दैट वी यूज एट एंजेंट्स एंड वी ऑल्सो फॉर यंगर पीपल डू अ लॉट ऑफ कलर्स एंड स्टील ग्रेज एंड ब्लीच एंड ब्लॉन्ड्स एंड पिंक्स एंड वो जो भी आजकल के पॉप के कलर्स चले हुए हैं सो कलर फॉर एजिंग मैन they need to think a little more about before covering it completely and for women of course you know you are following more trends you're going lighter but then think maintenance and think looking polished at all costs absolutely acha yahan pe main ye aapko batana chahti hu ki dekhiye hair color ek aisi cheez hai it's science it's an art also so aapko jis cheez pe paise bachane hai zarur bachaye lekin agar aapko koi acha hair color chahiye koi transformation chahiye always go to a person who knows because maine golden baal hote hue dekhe hain logo ko rote hue dekha hai orange hote hue dekhe hain jaise aapne kaha ki jet black dark black hote hue dekhe hain so you know aap disaster nahi chahte so of course always spend when it comes to hair color har hal mein acha yahan pe हमारा जो लुक है इकरा का वो हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट हम चाहेंगे अब इकरा का लुक हम यहाँ पे दिखा दें इकरा प्लीज़ आ जाइए अच्छा बिफोर वाला पहले हम यहाँ पे लुक दिखाते हैं यहाँ पे पहले बिफोर का देखिएगा और फिर हम दिखाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर वाला लुक आप यहाँ पे देखेंगे अभी पहले हमारी टीम अभी चलाएगी एंड ये आप देखिए ये है इकरा का लुक बिफोर बाल देखें मेकअप एवरीथिंग एंड अब इकरा हमारी ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं आज अपने ऑफिस जाने के लिए यहीं से आई थिंक चली जाएंगी ये बिल्कुल रेडी हैं आ जाइए इकरा प्लीज़ यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग वेरी डिफरेंट और अब आफ्टर द मेक ओवर नबीला बाल से लेके मेकअप से लेके कपड़े एवरीथिंग इज चेंज सो इफ़ यू वांट टू डिस्क्राइब दिस कि ये कौन कौन सी जॉब डिस्क्रिप्शंस में ये वाला लुक परफेक्ट चल सकता है फॉर ऑफिस लुक यू नो आई थिंक हर हेयर इज़ वेरी सिंपल आपने अगर देखा है हमने पीछे इसको टाई किया हुआ है ताकि फेस पे बाल ना आए लेकिन बाकी जो इनके बाल खूबसूरत हैं शाइनी हैं उसकी कंडीशन बहुत बेहतर लग रही है तो वो क्यों ना आए फेस पे देन द आउटफिट कहाँ का ये थोड़ा सा डिजाइन है बहुत ओवर पावरिंग नहीं है इन्होंने खुसे पहने हुए विच आर वेरी कम्फर्टेबल और एक हमने स्कार्फ टाइप का दिया है विच इज बॉट फ्रॉम अ फ्ली मार्केट अगेन एंड दिस काइंड ऑफ कवर्स हर एंड गिव्स हर द सेफ्टी नेट दैट्स रिक्वायर्ड कि ये चाहे ये रिक्शे में ट्रेवल करें बस में करें ऊबर में करें सो दिस इज एक्ट्स लाइक अ चादर इन द इवनिंग बिल्कुल सो आई थिंक द कलर सूट्स हर स्किन अलॉट The skin is looking beautiful with honey zero makeup. She has not tried to look gora. She has beautiful eyes. We've just enhanced it. सारा दिन अगर इन्होंने सुबह को 10 मिनट आईज़ पे लगा लिए मस्कारा लगाया लाइनर लगाया थोड़ा सा आई शेडो लगाया बाकी सारे दिन उन्होंने 1.5 मिनट के अंदर जीरो मेकअप से अपना टच करके ये ऐसे ही लग सकती हैं एंड हर हैंड्स एंड फीट आर इन गुड शेप बिकॉज शी वेंट फॉर अ मैनीक्योर पेडीक्योर ये घर में भी कर सकती हैं मगर अवेयरनेस होनी ज़रूरी है एंड आई लव हर हेयर स्ट्रेट ऑल्सो द वे इट्स कमिंग ऑन हर फेस इट्स फ्रेमिंग हर फेस एंड यू नो इट्स वेरी फ्लैटरिंग इयररिंग्स बहुत छोटे से हैं आप थोड़ा सा उधर अगर कैमरे में दिखाएं इट मैचेस लेकिन एट द सेम टाइम इट्स नॉट डेंगली और छुपे हुए इनके तसल्ली के लिए इयररिंग्स हैं मगर दुनिया को नहीं दिखाई बिल्कुल एब्सोल्युटली आई लाइक दिस एब्सोल्युटली वी लव दिस एसएन को भी मैं चाहूंगी एसएन प्लीज आप यहां पे आ जाइए और एसएन भी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं बिफोर हमने चलाया है अभी एसएन का और आप देख सकते हैं बिफोर देखिए पहले और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन विद द ग्लासेस एंड हेयर कट एंड द लाइक एंटायर अटायर इट्स एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्म्ड
हम देख रहे हैं यहाँ पे बिफोर और अब आफ्टर. जी नबीला, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? सो इट्स वेरी मच हिज पर्सनैलिटी. इट सूट्स हिज स्किन कलर. यू नो, वाइट अगेंस्ट द स्किन इज लुकिंग रियली नाइस बिकॉज ही इज यंग एंड अ लिटिल ट्रेंडी. वी हैव गिवन हिम ब्लू ग्लासेस विच ब्रेक द एनवलोप अ लिटिल बिट. ही इज गॉट रेड शूज विच आर लाइक अ स्टेटमेंट बट अवे फ्रॉम द फेस. स्किन लुक्स लवली. हेयर इज नाइस एंड शॉर्ट. अगर ये स्कूटर पर जा रहे हैं, रिक्शे में जा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं तो बाल खराब भी होके अच्छे लगेंगे. नाइस जैकेट, कंफर्टेबल जीन्स. हाउ डू यू फील? माइक लेके आती हूँ. हाँ, माइक लेके आती हूँ. मैं एसन से भी पूछना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे इकरा से भी पूछना चाहती हूँ, कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, अच्छा फील कर रहे हैं. अच्छा फील कर रहे हैं. देखा, टाइम मिला है आपको मिरर में देखने का? जी जी. अच्छा, इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो आप कहें कि इसकी तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी? हेयर स्टाइलिंग. मुझे लग रहा था कि यही कहने वाले हैं. और भाई नबीला ने कहा कि आप जहाँ भी यू नो अगर रिक्शे में भी ट्रैवल कर रहे होंगे ना तो भी ये एज इट इज रहेगा. खराब भी नहीं होगा और बिल्कुल लगेगा जैसे यू नो इट्स स्टाइल. अच्छा, टाइम हमारे पास खत्म हो चुका है. ठीक है जनाब, अब थैंक यू सो मच नबीला, यहाँ पे प्लीज आ जाइए. बहुत बहुत शुक्रिया. और अब हमारी इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल के दिन एक नए टॉपिक के साथ, नबीला की पूरी टीम के साथ. और ट्रांसफॉर्म करेंगे किसको हम आपको बताएंगे कल. जरूर देखिएगा कल का शो. कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़.